हाय फ्रेंड्स, आइए हम लोग आज के ट्यूटोरियल में सीखेंगे कि एक्सेल में यदि हम पासवर्ड भूल जाते हैं तो उस पासवर्ड को कैसे रिमूव करें, क्योंकि कई बार होता है कि काम करते करते हम इतना बिजी हो जाते हैं कि अपना पासवर्ड ही भूल जाते हैं, या कोई वैसा शीट हमारे पास आ जाता है जिसमें कि ऑलरेडी पासवर्ड डला होता है एंड उसमें कुछ चेंजेज करके हमें आगे भेजना है बट पासवर्ड हमें पता नहीं है। तो उस केसेस में हम क्या करेंगे, पासवर्ड को रिमूव करेंगे। ठीक है, तो बिना देर करे आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक्सेल शीट ओपन कर लेता हूँ एक। ठीक है, एक्सेल शीट ओपन कर लिया। इसमें जो कुछ भी हमें टाइप करना है हम करते हैं, जैसे नेम ही लिखना है किसी का, गणेश, अमीर, अनुज, अमित, सौरभ। ठीक है, हमने नेम लिख लिया। अब क्या करना है, इस शीट को प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले रिव्यूज पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद अपनी मर्जी के हिसाब से जो कुछ भी पासवर्ड डालना है हमने डाल दिया एंड ओके कर दिया। उसके बाद सेम पासवर्ड रिपीट करेंगे यहाँ पे एंड उसके बाद ओके कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा शीट प्रोटेक्ट हो चुका। अब यहाँ पे अगर हम कुछ टाइप करना चाहेंगे तो देखिए प्रोटेक्टेड शीट है, कुछ टाइप नहीं कर सकते। तो इस शीट को अब मैं सेव कर रहा हूँ। ठीक है, सेव करना है हमें इसको डेस्कटॉप पे। हम गणेश नाम का एक फोल्डर बनाया है, वहाँ पे प्रोटेक्शन नाम का फोल्डर है, उसमें सेव कर देते हैं इस शीट को। ठीक है, ये देखिए शीट हो गया, शीट सेव हो गया। अब इसको हम क्लोज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम आए गणेश के अंदर जो प्रोटेक्शन नाम का शीट है, फाइल है, उसके अंदर एक बुक वन अपना सेव है जिस फाइल को हमने अभी प्रोटेक्ट करा था। अब यहाँ पे एक देखिए फाइल का एक्सटेंशन नेम XLSX दिख रहा है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि ये नहीं दिख रहा होता है, तो हमें क्या करना होता है, व्यूज पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे देखिए अभी चेक कर रहा है तो वहाँ एक्सटेंशन नेम दिख रहा है। अगर इसको हम अनचेक कर देंगे तो ये देखिए नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे हमें एक्सटेंशन नेम हमें हमेशा दिखना चाहिए। तो बीच पे गए और फाइल नेम एक्सटेंशन हमने अनचेक कर दिया, सॉरी चेक कर दिया। तो ये देखिए यहाँ एक्सटेंशन नेम फिर से दिखने लगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसको हमें रिनेम करना है। F2 बटन प्रेस करा एंड यहाँ पे XLSX एक्सटेंशन नेम को हम जीप में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, रिनेम कर रहे हैं। इफ़ यू चेंज अ फाइल नेम एक्सटेंशन द फाइल माइट बिकम अनएडिटेबल, आर यू श्योर यू वांट टू चेंज इट, यस। ठीक है, हमने चेंज कर दिया। अब इसको हम क्लिक राइट बटन करेंगे एंड एक्सट्रैक्ट ऑल करेंगे। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने का लोकेशन यहाँ पे हम अपनी मर्जी से दे सकते हैं, बट मैं अभी वहीं पे इसको एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ जहाँ पे मेरा वो फोल्डर फाइल बना हुआ था। ठीक है, सेम लोकेशन यहाँ पे है डेस्कटॉप पे गणेश के अंदर, प्रोटेक्शन के अंदर। ठीक है, इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड अब देखिए यहाँ पे एक्सेल पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे वर्कशीट है। ठीक है, वर्कशीट वो जो हमारा एक्सेल शीट था जिसमें हमने अभी प्रोटेक्ट करा था शीट को, उसमें तीन शीट थे, शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3। हमने शीट 1 पे प्रोटेक्शन लगाया था। तो इसको राइट बटन क्लिक करेंगे एंड ओपन विथ इसको वर्ड पैड कर देंगे। ठीक है, वर्ड पैड के साथ ये फाइल ज़्यादा हैवी नहीं था तो ईजिली ओपन हो गया। अगर फाइल हैवी होगा तो इट विल टेक अ लिटिल टाइम, मच टाइम, ठीक है कह सकते हैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसको हम कंट्रोल एफ करके यहाँ पे हमने जो प्रोटेक्शन करा हुआ है ना, प्रोटेक्शन को फाइंड करते हैं, प्रोटेक्शन। गलत लिखा हो, प्रोटेक्शन, ये देखिए प्रोटेक्शन के पास हम आ गए। यहाँ जहाँ तक हम प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे कोडिंग करा हुआ है उसको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, ये देखिए इसको रिमूव कर दिया। अब इसको हम कर देंगे
सेव फाइल में गए एंड सेव कर दिया। ठीक है, सेव करने के बाद इसको हम क्लोज करेंगे। ये प्रोटेक्शन यहाँ से हट चुका है, अब इसको हम क्लोज करेंगे। एंड क्लोज करने के बाद हम बैक जाएंगे, यहाँ पे हमें सिलेक्ट ऑल करना है एंड इसको करना है फिर से सेंड टू कॉम्प्रेस्ड जीप में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक्सटेंशन नेम एक्सेल का देना है, XLSX। यहाँ पे नाम आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैं दे रहा हूँ इसको गणेश, गणेश के नाम से। ठीक है, फिर इफ यू चेंज अ फाइल नेम एक्सटेंशन द फाइल माइट बिकम अनयूजेबल, आर यू श्योर यू वांट टू चेंज इट? यस। ठीक है, ये देखिए एक्सेल में कन्वर्ट हो चुका है एंड अब इस पे हम क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे वही चीज जो हमने उस एक्सेल शीट में लिखा हुआ था वो चीज यहाँ पे लिखा हुआ है और ये हमारा फाइल पूरी तरह से अनप्रोटेक्ट हो चुका है। अब यहाँ से पासवर्ड रिमूव हो गया, अब यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कुछ भी टाइप कर सकते हैं या चेंजेज कर सकते हैं एंड कंसर्न्ड पर्सन को आप आगे भेज सकते हैं। फिर ये देखिए यहाँ पे कुछ भी लिखना है, देख रहे हैं यहाँ पे आप इसको इसमें कुछ चेंजेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी एक्सेल शीट का पासवर्ड अगर आप भूल जाते हैं तो उसके पासवर्ड को आप रिमूव कर सकते हैं एंड उसमें काम कर सकते हैं और आगे मैनेजमेंट को एज पर रिक्वायरमेंट भेज सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।